लीजिए लो, अब हम आ गए हैं बच्चों की बुआ के यहाँ। ये देखो सारे बच्चे, और उसी क्रम में टीके की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ गई है। ये देखो तो आपको दिखा देता हूँ, ये लड्डू पैर की ला रहे, पैर नहीं ला करते, क्या कर रहे पैर ही लाओगे तो काली बुआ होगी, तो पैर मत लाओ। परंशु ये देखो लड्डू, पैर मत हिला, हंस ले, पैसे देने का जोर पड़ रहा, पैसे देने पड़ेंगे इसलिए मुंह बंद आ गया तेरा है भाई। लड्डू हमारी तरफ देख, सामने देखो, मिठाई देख कर तो मेरा भी जी ललचा गया, पहले मिठाई खा लूँ मैं, पर चलो कोई बात नहीं, पहले टीका करावांगे। आकर मोटा सा आकर, हाँ सबने कर दिया है, चलो लो जी गोला भी मिल गया, दो मिले ना दो है भाई, दो मिले ना, वेरी गुड, तो दो ही के दो ही खावागा, दो ही चीज लेगा। बच्चे इसी तरह से सब बच्चे खुश है, हाँ खाली चलो दोस्तों, अब हमारी बहन भी हमारे टीका करेगी। टीका करा ले, ये देख लो प्रंशु अपनी बुआ के साथ लड़ रहा, लो जी अब रसोई का दर्शन करवा दे, तो मैं पकौड़ी खा लो, ये रे पकौड़ी, ये रे पकौड़े, बड़े टेस्टी पकौड़े हैं, पकौड़ी मेथी की पालक की, चल भाई। प्रंशु नाराज हो गया, प्रंशु बुआ पे टिक्का करा लो पहले जल्दी, शाबाश आओ, आई बेटा छोड़ो छोड़ो इसको, यहाँ बैठो, ले रहा बैठो यहाँ, शाबाश बैठो, सिर पर हाथ रखो, सिर पर हाथ रखो, सिर पर आए भाई, अच्छी बात नहीं, फिर खेलना फिर खेलना, बच्चे मूडी होते हैं अपने हिसाब से करते हैं अपने हिसाब से, तो कर खा ले बेटा, चलो गोला तो ले लो, ना भूख नहीं है, गोला भी नहीं लेना, खेलना है बस खाली। चलो एक बार फिर से सबको हैप्पी बहेदोज, और सबको बहेदोज की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे, चलता रहे। मैं अब हो गया नाश्ता चालू, लीजिए आप सब लोग भी पकोड़े का आनंद लीजिए, और हलवा है, चटनी है, पकोड़े है, और ये है बड़े स्वादिष्ट बन रहे हैं, मजा आ गया खाने में। देखते प्रंशु क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप भैया के खिलौने क्यों छेड़ रहे हो, ये देखो प्रंशु के खिलौने, हाँ चलिए दोस्तों थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करते हुए बोला नहीं करते, बात नहीं किया करते, फिर बात करेंगे धीरे से आपके साथ में। हरिओम जय माता की। तो गाइस अब हमने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद में पेट पूजा पूरी हो चुकी है हमारी, उसके बाद अब हम घर की ओर निकलते हैं, और हमें एक दो जगह और अपनी बुआ के यहाँ भी जाना है, अभी तो बच्चों की बुआ के यहाँ आए थे। प्रंशु जाओ दीदी से
टीका कराओ। बच्चे मानते नहीं है बच्चे, परंतु देखो खेलने में लगा हुआ है। वहीं करिए गुनगुन, देखो आएगा नहीं, वहीं खेलता रहेगा। परंतु छोटा है तो परंतु अपने मन के अकॉर्डिंग काम करता है। चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, प्रस्थान करते हैं। हमने नाश्ता कर लिया है, चलो भाई चलो। चलो जी चलो, अच्छा वंश जा लिया। लो जी परंतु तो गोला तोड़ने में लग गया है। नो 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 तोड़ दे, नो 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 नो। अच्छा नारियल सोच, जय माता की, बस 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 बस, नो नो नो, अब नहीं तोड़ दे, चलो फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, चलो चलो, नो 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 नो। एक्शन जबरदस्त करता है प्रंशु, ये देखो, नो नो बेटा टूट जाएगा, रहने दो रहने दो रहने दो, टूट जाएगा। जय श्री राम। कौन प्रिंसेस, आज कौन आया है हमारे घर, बताओ कौन आया आज हमारे घर। इधर आओ, इधर खड़े हो प्रिंसेस। अरे मारते नहीं बेटा, बताओ कौन आया है आज। अरे गंदी बात, ले तो फिर तू पिट। बड़ा गंदा बात कर नहीं जाएगा। इसका हैंकी कहाँ है, हैंकी कहाँ है इसका, तो बच्चा ही नहीं बस। ले मिठू बनाओ, मिठू व्लॉग बनाओ। नमन बना रही है शॉर्ट वीडियो, वैसे भी जैसे लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो में उधर से करो ना, पलटना है क्या? नहीं पलटना नहीं है। आज आए हैं देखो, आज हमारे घर नए मेहमान आए हैं, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पहली बार हमारी यूट्यूब चैनल पर आए हैं प्रिंसेस के मौसा जी, और दिल्ली से आए हैं भैरूज पर। ये नमस्कार, सबको नमस्कार कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज हमारी इनसे, तो इनके लिए एक लाइक तो सबकी तरफ से बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से सबके लिए लाइक देते रहिए। तो कैसा अनुभव लग रहा है जी आज आपको, कैसा महसूस हो रहा है यूट्यूब पर आज चैनल पर आकर, हमारे चैनल पर आके तो अच्छा लग ही रहा है। बाकी यहाँ के जो वाइब्स हैं, शुद्ध हवा है, वातावरण बड़ा अच्छा है। जी जी जी, जो दिल्ली के पोल्यूशन से हम बच के आए हैं, यहाँ आके पता लगा कि साफ हवा कैसी होती है। देखिए दिल्लीवासी सभी पोल्यूशन से त्रस्त है, और दिल्लीवासी तो छोड़िए, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद आकर के पूरा हिंदुस्तान इस एयर पोल्यूशन की मार की चपेट में आ जाए और सांस लेना दूभर हो जाए। गाय का शुद्ध मट्ठा यहाँ पीने को मिल रहा है, जो शहर में तो नसीब है ही नहीं, नसीब होता नहीं है। ये तो मिल जाएगा पर मट्ठा नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। गाँव का मट्ठा, शुद्ध देसी गाय का मट्ठा बहुत अच्छा लगता है पीने में, सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज हम बातें कर रहे थे इस बारे में कि हमें पर्यावरण के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए, सभी को एक एक प्लांट जो है प्रत्येक देशवासी को लगाना चाहिए, ताकि दिल्ली एयर पोल्यूशन फ्री हो सके, हमारा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देश पोल्यूशन फ्री हो सके। चलिए दोस्तों आपके बातें करते रहेंगे, इसी के साथ हमारे भाई साहब के लिए एक लाइक सभी लोग दीजिए, सबका धन्यवाद।